कुछ ही पूर्ण ग्रहण के समय हुई है, सिमर कैसी है? हम उन्हें नहीं बचा सके मिस्टर आरव। डिलीवरी के दौरान 4:05 में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। कलर शो ससुराल सिमर का 2 में व्यूवर्स को देखने मिल रहा है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा। जैसे कि हमने देखा, स्ट्रेस की वजह से सिमर को समय से पहले लेबर पेन्स आते हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। पंडित जी बार बार कहता रहता है, बच्चे का जन्म चंद्र ग्रहण के दौरान हो तो बहुत ही अपशगुन माना जाएगा। अब शो के अपकमिंग एपिसोड में डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर आरव को गुड न्यूज देती है कि उसे बेबी गर्ल हुआ है। जहां ये बात सुनकर आरव स्पीचलेस हो जाता है, वहीं रीमा और विवान इस बात से काफी ज्यादा एक्साइटेड और खुश है। लेकिन सबके चेहरे का रंग तब उड़ जाता है जब डॉक्टर बेबी का टाइम ऑफ बर्थ बताती है, क्योंकि बेबी पूर्ण ग्रहण के वक्त पैदा हुई है और पंडित जी की मानो तो ये शुभ संकेत नहीं है। रीमा जब सिमर के बारे में पूछती है तो डॉक्टर बड़े ही दुख के साथ ये कहती है कि वो और उनकी टीम सिमर को बचा नहीं पाए, सिमर ने ओटी में ही दम तोड़ दिया। वेल, क्या वाकई में सिमर की मौत हुई है और क्या वाकई में सिमर और आरव की बेटी पूर्ण ग्रहण के वक्त पैदा हुई है या कहानी में आएगा कोई नया ट्विस्ट? जानने के लिए देखते रहिए ससुराल सिमर का 2 और शो से रिलेटेड और भी अपडेट्स के लिए ग्लिट्स विजन यूएसए को सब्सक्राइब करना ना भूल। हाय, आई एम अनघा भोसले एंड यू ऑल आर वाचिंग अस ऑन ग्लिट्स विजन यूएसए। हाय, दिस इज पारस कलनावत एंड यू आर वाचिंग अस ऑन ग्लिट्स विजन यूएसए।